अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आज हमारे साथ है आदर्श सेवा प्रतिष्ठान के संकेत जलगांवकर जी, जिन्होंने अभी तक सामाजिक कार्य बहुत से गोरेगांव में किए हैं। अभी फिलहाल उनका गोरेगांव वेस्ट में सैनिटाइजेशन कार्यक्रम चालू है, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे NGO आदर्श सेवा प्रतिष्ठान, हम कोविड के टाइम से काम कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन से लेकर रेशन किट, खाना देना लोगों को, गरीबों को उनका कुछ व्यवस्था करना, क्वारंटाइन सेंटर के लिए हेल्प करना, तो जो भी ये लग रहा है कोविड के टाइम में काम वो हम कर रहे हैं। आपके मास्क पे जो बी रिस्पॉन्सिबल लिखा है उसके बारे में कुछ बताइए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम उनको समझा रहे हैं कि मास्क कैसे पहना जाए, और ये भी एजुकेशन दे रहे हैं कि उन्होंने बाहर कैसे रहे और घर के आने के बाद उन्हें सैनिटाइजेशन कैसा करना है, क्या करना है, वो हम उनको समझा रहे हैं। मुंबई के नौजवान युवकों के लिए आपका क्या संदेश है? मुंबई की तरुण पीढ़ी, हमारी सब NGO में तरुण पीढ़ी है, तो हमें यही है कि नौजवानों को कि वो आगे आए और काम करें ऐसे टाइम में, क्योंकि हम ही देश के भविष्य है, तो हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए। आप देख सकते हैं संकेत जलगांवकर जी आदर्श सेवा प्रतिष्ठान के, जो अपने जेब से खर्चा करके सैनिटाइजेशन और मास्क वाटअप का कार्यक्रम कर रहे हैं। कैमरामैन अभिनव चौहान के साथ।